अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आमिर और आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्ट्रॉबेरी का जूस। स्ट्रॉबेरी का सीज़न हो और घर पे स्ट्रॉबेरी का जूस न बने, ये तो हो नहीं सकता। और इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में अफ्तारी में स्ट्रॉबेरी की जूस के बग़ैर अफ्तार नामुकम्मल होता है। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत आसान स्ट्रॉबेरी की जूस की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसी बनती है रेसिपी। और जो हजरात, जो बहन भाई मेरे चैनल पर नहीं है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम फ्रेश स्ट्रॉबेरी है। अब इसका ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये जो टहनी है जो ग्रीन वाला, इसको हटा देता हूँ। और इसको पहले मैंने अच्छी तरह धो लिया था, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होता है, ये ज़मीन का फल होता है, तो इसमें गर्द और मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है। और इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, आप अपने हिसाब से काट लें, क्योंकि हमने वैसे ही इसको ग्राइंड करना है। तो मैंने तमाम तैयार कर लिए, अब मैं मिक्सी के जार में इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेता हूँ। अब इसके साथ मैं इसमें 4 चम्मच शुगर पाउडर ऐड करता हूँ। आप देख लें, अगर आपकी स्ट्रॉबेरी मीठी है तो आप शुगर अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप आम चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए ज़्यादा आपको ग्राइंड करना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये देखिए तैयार है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है इसका, बिल्कुल लाल ज़बरदस्त कलर है और इतनी अच्छी खुशबू है इसकी, माशाल्लाह। तो इसको मैं दोनों गिलासों में बराबर तकसीम करता हूँ। और ये रहा बर्फ़, ताकि ये अच्छा सा ठंडा रहे और इसका मज़े ही डबल हो जाए। तो ये देखिए, अब मेरे पास 7 अप का बोतल है, आप इसमें सादा सोडा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सोडा वाटर का या 7 अप का अलग ही मज़ा होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको इसका टेस्ट एक बार पता चले, फिर आपका दिल बार बार करेगा बनाने के लिए। ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी होता है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसको गार्निश करता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी बची थी, इसको मैं दरमियान में इसी तरह काट लेता हूँ। और ये टूथपेस्ट है, इसकी मदद से इसके अंदर मैं ऐसे सेट कर देता हूँ। और ये देखिए, ये गिलास के ऊपर ऐसे मैं सेट कर लेता हूँ। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ना, खूबसूरत, ये देखिए माशाल्लाह। अब इसी तरह एक गिलास अगर आपको अफ्तारी में मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा, माशाल्लाह बेहतरीन। आप ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए, स्ट्रॉबेरी का मौसम है तो इससे ज़रूर फ़ायदे उठाइए। अब रैयान बाबा इसका टेस्ट चेक करेगा, तो देखते हैं कि इसका जायका कैसा आया हुआ है। हाँ जी, जबरदस्त, मजेदार। मजे का। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।